हम लोगों की दुनिया रहस्य से भरा पड़ा है। आज भी इतने सारे रहस्य हैं जो साइंटिस्टों के लिए भी काफी हैरत अंगेज है, जिसके आंसर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर या समुद्र में आए दिन साइंटिस्ट ऐसी चीजों की खोज करते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देती है। वैज्ञानिकों ने अब तक ऐसी खोज की है जिसको देखने के बाद वो खुद हैरान है। ऐसी कुछ हैरत कर देने वाली अंटार्कटिका की बर्फ के सतह के नीचे खोजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसमें से मुझे जो पर्सनली सरप्राइज किया है वो है अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे छिपी दुनिया, जो हैरान करने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम लोग हैरत खोजों पे जाए उससे पहले थोड़ा अंटार्कटिका के बारे में जान लेते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है। अंटार्कटिका महाद्वीप सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, सूखा और तेज हवाएं वाले महाद्वीप है। यहाँ हवा की गति है 300 किलोमीटर पर आवर, जो आपको अंधा बना सकता है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्र और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसलिए यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। यह केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, थर्डिग्रेड, पिस्सू, अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव और तुंद्रा फॉरेस्ट भी पाई जाती है। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें साउथ पोल अंतर्निहित है। ये साउथर्न हेमिस्फीयर के अंटार्कटिक रीजन और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है। सदियों से अंटार्कटिका ने हमारी कल्पना पर कब्जा कर लिया है। हम अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों के भीतर होने वाले अजूबे से मोहित है। अंटार्कटिका रहस्य में डूबा हुआ है और चरम भूमि के रूप में ये अपने रहस्य को रखने में भी महान है। अंटार्कटिका महादेश की ज्यादातर जमीन औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ के चादर से ढकी हुई है, और कोई कोई जगह बर्फ से 3 से 4 किलोमीटर तक भी मोटी हो जाती है। कठोर परिस्थितियां, ठंडे तापमान और बंजर परिदृश्य अंटार्कटिका को इंसानों के लिए दुर्गम बना देता है। जमे हुए महाद्वीप अमेरिका के आकार का लगभग 1.5 गुना है और 99% बर्फ से ढका हुआ है, जो पृथ्वी पर सभी बर्फ का 90% हिस्सा है। पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, और वो जगह है अंटार्कटिका। ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। इस जगह पे दुनिया का सबसे कम तापमान -89 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 1890s में पहली बार इंसानों ने अंटार्कटिका पे कदम रखी। उसके बाद बहुत सारे देशों से साइंटिस्ट इस जगह पे रिसर्च करते जाते रहे हैं, और ये सिलसिला अभी जारी है, जिसके वजह से नए नए खोजों के बारे में हमें पता चल रहा है। आज उसी रहस्यमय खोजों के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हर तरह आपको समंदर और पानी के बड़े बड़े स्रोत देखने को मिलेगा। बट आयरनी की बात यह है कि इतनी मात्रा में पानी होने के बावजूद हम इंसानों को सिर्फ मीठा यानी मधुर पानी ही भाता है। अंटार्कटिका में पूरे दुनिया की 70% मीठा पानी का स्रोत मौजूद है। इसके अलावा अंटार्कटिका की 90% जमी हुई बर्फ मीठा पानी से बना हुआ बर्फ है। वाकई में अंटार्कटिका से जुड़ी बातें काफी दिलचस्प है। दुनिया में कई रहस्य है जिनके बारे में जानने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक फॉल्स जो कि अंटार्कटिका में है, जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। अंटार्कटिका में एक टेलर ग्लेशियर है जिससे खून का झरना बह रहा है। पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर टेलर ग्लेशियर स्थित है। खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर से खून का झरना बहता देख हैरान हो गया। बताया जा रहा है कि टेलर ग्लेशियर से ये खून का झरना दशकों से इसी तरह बह रहा है। वैज्ञानिक इस ग्लेशियर से खून का झरना बहने की वजह का पता अब जाकर लगा पाए हैं। उनका कहना है कि टेलर ग्लेशियर के नीचे एक बेहद प्राचीन जगह है। माना जाता है ग्लेशियर के नीचे जीवन पनप रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने नजदीक से खून के झरने को देखा है। उन्होंने सैंपल की जांच की और बताया उसका स्वाद नमकीन है, जिस तरह खून का होता है। ये जगह खतरों से भरा हुआ है और यहाँ जाना जान जोखिम में डालने की तरह है। ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले खून की झरने की खोज साल 1911 में की थी। यूरोपियन वैज्ञानिक अंटार्कटिका के इस क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचे थे। ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस और उनके साथियों ने इस लाल रंग को एल्गी समझा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिसके बाद इस मान्यता को रद्द कर दिया गया। वैज्ञानिकों को साल 1960 में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे आयरन सॉल्ट मौजूद है। आयरन सॉल्ट का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड। बर्फ की मोटी परत से निकल रहा है, जैसे आप पाउच से शैम्पू निकालते।
सकते हैं। इसके बाद साल 2009 में एक स्टडी से हैरान करने वाला खुलासा हुआ। इस ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव होने की जानकारी मिली। इसके कारण ग्लेशियर से खून का झरना निकल रहा है। वैज्ञानिक के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से सूक्ष्म जीव रह रहे हैं। बहुत बड़े इकोसिस्टम का ये छोटा सा भाग है जिसे वैज्ञानिक खोज पाए हैं। वैज्ञानिकों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक की खोज करने में दशकों लग जाएंगे। इस क्षेत्र में आना जाना और रहना बेहद कठिन है। प्रयोगशाला में खून के झरने की पानी का जांच की गई तो इसमें दुर्लभ सब ग्लेशियल इकोसिस्टम के बैक्टीरिया पाए गए। इनके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर ये जिंदा है। बिना फोटोसिंथेसिस इस जगह पर बैक्टीरिया जीवित है और नए बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। इस जगह पर तापमान दिन में -7 डिग्री सेल्सियस रहता है और खून का झरना बेहद ठंडा है। ये नमक की वजह से जमता नहीं है और बहता रहता है। नमक नहीं होता तो जम जाता। वैज्ञानिकों के लिए अभी ये रहस्य है कि आखिर खून के झरने पर अंदर से कौन दबाव डाल रहा है। इस प्रेशर की वजह से ग्लेशियर से खून का झरना बाहर निकल रहा है। ग्लेशियर के नीचे खून के झरने का स्रोत लाखों साल से दबा है। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे वैज्ञानिकों ने एक छिपी हुई दुनिया का पता लगाया है। वैज्ञानिकों को यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम मिला है जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया। बर्फीली सतह के नीचे एक भूमिगत नदी में एक अंधेरी गुफा दिखी है जिसमें झींगे की तरह दिखने वाले छोटे छोटे जानवर रहते हैं। इस नई खोज से वैज्ञानिक उत्साहित है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पूर्वी तट से जुड़े लार्सन आइस शेल्फ के नीचे वैज्ञानिकों को ये गुप्त स्थान मिला है। लार्सन आइस शेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो 2021 में टूटकर बना था। रिसर्च टीम ने 1640 फीट यानी लगभग 500 मीटर तक बर्फ की सतह पर गर्म पानी के जरिए ड्रिल किया। पाइप के साथ ही कैमरा लगा हुआ था। बर्फ को तोड़कर जब कैमरा पानी तक पहुंचा तो यहां सैकड़ों की संख्या में जलीय जीव देखने को मिले। शुरुआत में ये धुंधले दिखाई दे रहे थे जिससे वैज्ञानिकों को लगा कि उनका कैमरा खराब हो गया है, लेकिन बाद में फोकस करने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके कैमरे लेंस के चारों ओर झींगे हैं। वैज्ञानिक इस खोज से पूरी तरह हैरान है क्योंकि उन्हें बर्फ की सतह के इतने नीचे जीवन मिलने की उम्मीद नहीं थी। भौतिक समुद्र वैज्ञानिक क्रेग स्टीवेंस ने बयान में कहा कि उन जानवरों का हमारे कैमरे की ओर तैरने का मतलब है कि इतनी गहराई में भी एक इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है। विशेषज्ञों का लंबे समय से मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे नदियां और झीलों का नेटवर्क है, लेकिन अभी तक इस पर कोई खास स्टडी नहीं हो सकी। बर्फीली सतह के नीचे नदी में जीवन मिलने एक इम्पोर्टेंट खोज है। ग्लेशियोलॉजिस्ट और इस शोध के लीड शोधकर्ता यू हॉर्गन, इन्होंने कहा कि इस नदी का निरीक्षण करना एक छिपी दुनिया को खोजने जैसा एहसास देता है। शुरुआत में उन्हें सतह के नीचे नदी के होने का पता सैटेलाइट इमेज से चला था। अंटार्कटिका को जाना जाते हैं वहाँ बिछी बर्फ की मोटी चादर और जमा देने वाले तापमान के लिए, लेकिन रिसर्चर्स ने इस इलाके में एक ऐसी खोज की है जिसकी उम्मीद सपने में भी नहीं की गई होगी। नए शोध से पता चलता है कि अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी चादर के नीचे नदी बहती है। इसकी लंबाई इंग्लैंड की सबसे लंबी नदियों में से एक थेम्स से भी ज्यादा है। बर्फ के नीचे बहने वाली इस नदी की खोज एक एयरक्राफ्ट में लगे रडार की मदद से की गई। लंबे वक्त तक हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मालूम हुआ कि ये नदी करीब 460 किलोमीटर लंबी है और वेडल सी में पहुंचकर खत्म होती है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्रंथम इंस्टीट्यूट के ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्टडी के को ऑथर मार्टिन सिगार्ट, इन्होंने एक बयान में कहा कि कुछ दशक पहले जब हमने पहली बार अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे झीलों की खोज की थी तो सोचा था कि वे एक दूसरे से अलग थलग है। अब हम ये समझ रहे हैं कि वहाँ एक पूरा सिस्टम है जो विशाल नदी नेटवर्क से जुड़ा है। बहने वाली इस नेटवर्क का मतलब है कि बर्फ की चादर के नीचे फिसलन है। सिगार्ड ने कहा कि अगर ये सिस्टम पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्र के स्तर को 14.1 फीट तक बढ़ा सकता है। इससे दुनिया में बहुत से जगह में तबाही मच सकता है। हालांकि रिसर्चर्स ये नहीं जानते कि पृथ्वी के गर्म होने पर ये सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि अंटार्कटिका में बर्फ की इस चादर के तेजी से पिघलने के कारण इसके नीचे बह रही नदी के सिस्टम में ज्यादा पानी आ सकता है। नदी बर्फ को होने वाले नुकसान को तेज कर सकती है और बर्फ की सेल्फ का पिघलना बढ़ा सकता है। ये रिसर्च भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण भविष्य में अंटार्कटिका कितनी जल्दी अपनी बर्फ को खो सकता है। एक रिपोर्ट में पता चला था कि अंटार्कटिका में बर्फ उम्मीद से ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के रिसर्चर्स के नेतृत्व में हुई स्टडी में पता चला था कि जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका में तैरती बर्फ की विशाल सिल्लियों को कमजोर कर रहा है और समुद्र स्तर में बढ़ोतरी कर रहा है। स्टडी में पता चला था कि ग्लेशियर्स के पतले होने के और बर्फ की सिल्लिया का टूटने से 1997 के बाद से अंटार्कटिका की बर्फ की सिल्लिया के मास में 12 ट्रिलियन टन की कमी आई है, जो पिछले अनुमान से दुगना है। कुदरत ने काफी परिश्रम से इस सुंदर दुनिया को बनाया है, इसलिए हमें यानी
हम इंसानों को ही इसका ध्यान रखना है। रिसेंटली आपने पाकिस्तान और चाइना में प्रकृति का कहर देखे होंगे। हमारे गलतियों के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन के चलते हमारी प्रकृति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कई बार तो कई भुखमरी, हर जगह हाहाकार ही आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आपका थोड़ा अमूल्य समय निकालकर एक पौधा जरूर लगाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।